वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पीओ गाइड टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं संजय विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज में जब हम फिनाकेल ओपन करते हैं फिनाकेल का सेटिंग्स करने के बाद, तो कभी कभी यहाँ पे जो फिनाकेल के जो मेनूज होता है वो मेनू फेच नहीं होता है एंड कोई भी मेनू यहाँ पे काम नहीं करता है। तो कभी कभी पॉपअप ब्लॉकर के कारण से ये मेनू फेच नहीं होता है, लेकिन पॉपअप ब्लॉकर को ऑफ करने के बाद जो फिनाकेल का जो यूआरएल है इसको हम अलाउ करने के बाद भी अगर आप लॉगिन कर रहे हैं फिनाकेल में एंड मेनू फेच नहीं हो रहा है, ऐसे अनेबल टू गेट प्रॉपर्टी मेनू ऐसे एरर आ रहा है, तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व करें वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए। कोई क्वारी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लॉगिन कर लिया है फिनाकेल के जो सेटिंग्स है एमएस एज में माइक्रोसॉफ्ट एज में वो हम कर लिया है। यहाँ पे लॉगिन भी हो रहा है सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे जो मेनू है वो मेनू यहाँ पे नहीं आ रहा है, फेच नहीं हो रहा है एंड इसके कारण कोई भी मेनू यहाँ पे हम मेनू शॉर्टकट पे डालेंगे तो कोई भी मेनू यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो मेनू कैन नॉट बी फेच ऐसा एरर आ रहा है। तो ये इस एरर को हम कैसे रिजॉल्व करें वो हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एम एस एच के जो थ्री डॉट ऑप्शन है इस थ्री डॉट ऑप्शन पे हम आ जाएंगे। चलिए हम फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो थ्री डॉट ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स ऑप्शन पे जाएंगे। सेटिंग्स ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट ब्राउजर में हम ऑलरेडी कंपेटिबिलिटी सेटिंग्स कर लिया है फिनाकेल का। फिर यहाँ पे कुकीज़ एंड परमिशंस पे हम जाएंगे। फिर यहाँ पे पॉपअप एंड रीडायरेक्ट जो ऑप्शन है ये यहाँ पे देखिए ये ऑन रहता है तो यहाँ पे मेनू फेच नहीं होता है, तो इसको हम ब्लॉक कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। फिर भी यहाँ पे जो यूआरएल है उस यूआरएल को हम अलाउ पे ऐड कर देंगे पॉपअप रीडायरेक्शन का एंड पॉपअप ब्लॉकर को ऑफ कर देंगे एंड फिर भी देखिए यहाँ पे मेनू फेच नहीं हो रहा है। तो अगर आप पॉपअप ब्लॉकर को ऑफ करने के बाद भी आप अलाउ कर दिया है फिनाकेल का जो यूआरएल है उसको आप पॉपअप एंड रीडायरेक्शन के लिए अलाउ भी कर दिया है, फिर भी आपका जो मेनू फेच नहीं हो रहा है, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करें चलिए हम देखते। तो यहाँ पर हम पॉपअप ब्लॉकर को ऑफ कर दिया है एंड जो फिनाकेल का यूआरएल है इसको हम अलाउ कर दिया है पॉपअप एंड रीडायरेक्शन के लिए। तो फिर से हम लॉगिन करके देखते हैं इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। तो नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे नहीं हुआ है, हम पॉपअप ब्लॉकर को ऑफ कर दिया है फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसका और एक सॉल्यूशन है वो है देखिए यहाँ पे जो ई साइन है इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड इस ऑप्शन पे हम आ जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए ओपन दिस पेज इन कॉम्पेटिबिलिटी व्यू एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो इस ऑप्शन को हमें एनेबल करना है। हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जब भी फिनाकेल में काम करते हैं तो उसको कॉम्पेटिबिलिटी व्यू का सेटिंग्स चाहिए, तो जब भी हम इसको एनेबल करेंगे तो ये पेज लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम हमारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो देखिए जो इशू हम फेस कर रहे थे मेनू फेच नहीं हो रहा था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया है। तो अगर आप पॉपअप ब्लॉकर को ऑफ करने के बाद भी अगर आपका फिनाकेल में एमएस एज में हम आप काम कर रहे हैं एंड वो मेनू फेच नहीं हो रहा है फिनाकेल का एंड कोई भी मेनू काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो ई साइन होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड, तो इसके पहले आपको जो पॉपअप ब्लॉकर एंड रीडायरेक्शन है इसको पहले ऑफ करना है। इसको ऑफ करने के बाद भी अगर आपका मेनू फेच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड है इस पे जाना है एंड फिर ओपन दिस पेज इन कॉम्पेटिबिलिटी व्यू जो ऑप्शन है इसको आपको एनेबल करना है। इसको अगर हम डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे मेनू फेच नहीं होंगे एंड फिर इसको हम एनेबल कर देंगे एंड फिर देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन पेज आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम लॉगिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे जो मेनू फेच का इश्यूज हम फेस कर रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हर एक मेनू यहाँ पे इजीली काम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए। कोई क्वारी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो।